जो भी एनिमल्स के साथ पास होते हैं, मीन हमारे से जो बेटर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं हम लोगों से बेटर होते हैं, उनको कभी ऐसा नहीं होता कि उनको कोई मुझे कुछ मिल गया, मुझे वो खाने के लिए ज़्यादा चाहिए या पहनने के लिए ज़्यादा चाहिए, जैसा होता है हम ह्यूमन बीइंग में ऐसा एनिमल्स के साथ नहीं होता। वो कुछ ही रहते हैं जो भी उनके पास होता है वो हम उनके साथ ही खुद होते हैं। ठीक है ना, गोइंग टू स्टार्ट द पॉइंट। कहाँ पे लिव विद दी एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। प्लेसिड मींस सिंपल, प्लेसिड मींस सिंपल। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। प्लेसिड मींस सिंपल, सेल्फ कंटेन्ड मींस इंडिपेंडेंट। कि मुझे क्या लगता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं एनिमल्स के साथ चला जाऊँ, उनके साथ में जैसे एनिमल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सो प्लेसिड, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं एंड सेल्फ कंटेंट मीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं। हम क्या है कि दूसरे के ऊपर पापा नहीं जे दिलवाना है, मम्मा नहीं जे दिलवाना है, मम्मा खाना बना के देंगे तो खाएंगे, है ना। हम लोग कहेंगे पेरेंट्स के ऊपर ना किसी एनीबडी एल्स से टीचर लेसन करवाएगा तो रीड करेंगे, मैम एक्सप्लेन करेंगे तो समझेंगे, है ना। तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट एनिमल्स ऐसा कभी नहीं करते। दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर सिंपल। हमारे जैसे फैशन नहीं करते, हमको नई नई ड्रेसेस नहीं चाहिए होती, ठीक है, नए नए फुटवेयर्स नहीं चाहिए होते, कोई फैशनेबल नहीं होते, एंड वो क्या है इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप पे डिपेंड होते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल्स, दे आर सो रेजिलिएंट सेल्फ कंटेन। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं वापस चला जाऊँ एनिमल्स के साथ रहने के लिए। क्यों? क्योंकि एनिमल बहुत सिंपल होते हैं एंड सेल्फ कंटेन क्या है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, I stand and I look at them long. They don't sweat and whine about their condition. They don't lie awake in the dark and read for their sins. They don't make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied. Not one is demented with the mania of owing things. I stand, मैं खड़ा होता हूँ एंड देखता हूँ एट डैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। काफी टाइम के लिए हूँ, देखते ही रहता हूँ एंड क्या देखता हूँ, ठीक है। आई स्टैंड एंड लुक एट डैम, मैं खड़ा होता हूँ, देखते ही रहता हूँ, लुक एट डैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत टाइम के लिए उनको देखते रहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट विद मॉइस्चर,
कि ड्यूटी हमारी ड्यूटी के लिए हमें कभी एनिमल्स अवेयर नहीं करवाते, वो चुपचाप अपनी जो अपना काम है वो सेल्फ कंटेन्ड ही रहते हैं, सेल्फ कंटेन्ड कर देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स हम बोलते हैं कि आपने ऐसी ये बड़ी पूजा करनी है, आपने ये बड़ी पूजा करनी है, आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ये बड़ी सजा मिलेगी, आपने गॉड के अगेंस्ट ऐसा बोला तो आपको ऐसी सजा मिलेगी। हम एक दूसरे को ऐसे प्रेशर करते रहते हैं, बट जो एनिमल्स है वो कभी भी इट डोंट मेक मी सिक, वो मुझे इरिटेट नहीं, ठीक है। सिक मीन्स इरिटेट। Not yet be satisfied, now one is demented. Demented होता है disturb. Demented means disturb. क्या है कि no one is satisfied. कोई भी animals में कोई भी dissatisfied नहीं होता, no one is demented with. किसी को ये नहीं होता कि मेरे को ये चाहिए था, सीजी में तो ये मिला नहीं जी, ठीक है मुझे ये चाहिए था, तो उनकी कोई demand ही नहीं होती। अगर उनकी कोई demand नहीं होती and belonging means belonging, ठीक है। देख अगर मैंने आपको इन चीज़ को कभी भी पागल नहीं होते, तो ये नहीं मिला जो वो नहीं मिला कि किसी चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं, कभी वो परेशान नहीं है। Next one is not on knees. Knees क्या होता है बच्चे? Knees means वो means fall to one's knees. झुकता नहीं है, कभी बो नहीं करता, कभी बेंड नहीं करता किसी अपने दूसरे एनिमल से आगे कुछ मांगने के लिए, हाथ नहीं हिलाते थोड़े निकल होते कि वो ऐसे ही रहते हैं, हम किसी से कुछ डिमांड नहीं करते, किसी से बोल के कुछ नहीं मांगते। नॉन वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल और सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकंस ऑफ माय सेल्फ एंड द इवेंट्स देन मेरे पापा है मैंने उसको रिस्पेक्ट देनी है, ये मेरा स्टूडेंट है उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, ये वाले स्टूडेंट ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, ठीक है मेरे बच्चे ने मुझे अच्छे से नहीं बोला, तो हम ऐसा सोच के अनहैप्पी होते हैं, ठीक है कि इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की, हम अनहैप्पी होते हैं, ठीक है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, एनिमल्स में ऐसे वाले रिस्पेक्ट कभी नहीं, जैसे ह्यूमन बींग्स में रिस्पेक्ट चाहिए होती है ना, एनिमल्स में किसी को रिस्पेक्ट नहीं, एनिमल किसी एक दूसरे की रिस्पेक्ट अपने फादर की अपने मदर की रिस्पेक्ट नहीं है, उनमें कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है, ना ही कोई उनमें कोई अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, पूरी अर्थ में कोई भी एनिमल जो अनहैप्पी नहीं होता। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, वो उनका जैसा भी रिलेशन है ऐसे वाले रिलेशन वो मुझे शो करते हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम, मैंने उनको ऐसे एक्सेप्ट करते हैं कि एनिमल्स किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, एनिमल्स कभी अनहैप्पी नहीं होते, एनिमल्स कभी सैड नहीं होते, वो जैसे भी हैं वैसे ही रहते हैं, सेम भी रहते हैं। तो क्या है कि मैं उनको जैसे भी वो हैं, पोएट क्या कहते हैं, वो जैसे भी हैं मैं उनको ऐसे एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, ह्यूमन्स टोकन्स ऑफ माई सेल्फ मीन जो ह्यूमन्स के जो टोकन टोकन ह्यूमन्स के टोकन्स क्या है, जो ह्यूमन टोकन्स यहाँ पे रिफर्स टू इमोशंस, जो हमारे इमोशंस होते हैं, किसी के साथ सेम्पथी हमारी होती है, किसी के साथ हमारी फीलिंग्स होती हैं, देखिए किसी की हम रिस्पेक्ट करते हैं, ये टोकन्स हमारे काइंड हार्टेड मैन्स कॉम्पैशन में फ्रेंडली बिहेवियर, दीज आर द टोकन्स। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं यही दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स काइंड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, जो हमारे टोकन्स हैं, टोकन्स ऑफ लव मीन टोकन्स यहाँ पे इमोशंस के लिए यूज किए हुए, ठीक है, टोकन ऑफ लव के लिए, हमारे कॉम्पैशन के लिए, ठीक है, रिस्पेक्ट के लिए टोकन वर्ड यूज किया गया। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, जो ह्यूमन बींग्स के टोकन्स हैं, ह्यूमन जो इमोशंस हैं, ह्यूमन इमोशंस क्या है कि हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, कभी हैप्पी करते हैं किसी दूसरे को, जो ह्यूमन टोकन्स हैं दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, जो जो एनिमल्स हैं जो मेरे लिए मेरे जो टोकन हैं, जो ह्यूमन बींग्स के टोकन हैं वो लेके आते हैं। दे अवेयर्स, अवेयर्स मीन्स टू शो टू रिवील, वो मेरे टोकन मुझे दिखाते हैं। Them mainly in their possession. Possession means a object.
occupation. ठीक है, plainly means honestly. Plainly means honestly. Plainly means honestly. ठीक है, जो animals हैं वो honestly मुझे जो मेरे tokens हैं, जो मेरे responsibilities जो करती हैं, जो मेरे relations हैं दूसरे के साथ, वो मुझे show करते हैं honestly. आगे के सेकेंड इज रेपिटेशन, थर्ड इज एनाफोरा, फोर्थ इज मेटाफोरा.
These were the three phrases we used here. Assonance क्या होता है? Repetition of sound. Repetition of sound. In first point में वो क्या use कर रहा है? I think I could. I think I could. I stand I would. जो I जो है रिपीट कर रहा है, सो दिस इज इन एसोनेंस. रिपीटेशन ऑफ द साउंड इज नोन एज एसोनेंस. ठीक है, तो इसमें क्या यूज कर रहा है वो आई जो वर्ड है इसको रिपीट कर रहा है. आई आई थिंक आई थिंक आई को आई स्टैंड आई को. ठीक है, आई प्रोनाउन रिपीट कर रहा है, दिस इज एसोनेंस. नेक्स्ट जो रिटरी वॉइस में है रिपीटेशन. रिपीटेशन क्या है? जो थर्ड सेंटेंस लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग को रिपीट कर रहे हैं. सो लॉन्ग एंड लॉन्ग इज द रिपीटेशन. इन फर्स्ट सेंटेंस कौन सा रिपीटेड वॉइस यूज हो रहा है? एसोनेंस. ठीक है, इन थर्ड सेंटेंस कौन सा रिपीटेड वॉइस यूज हो रहा है? रिपीटेशन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनाफोरा. एनाफोरा सेम रिपीटेशन ऑफ आई आई थिंक आई को आई स्टैंड आई डू. ठीक है, दिस इज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड. सेम आई इज कंप्लीट वर्ड विच नॉट अ साउंड. आई इज द कंप्लीट वर्ड. फर्स्ट जो एसोनेंस है इसमें साउंड की रिपीट हो रही है, आई साउंड रिपीट हो रही है. इसमें एनाफोरा में क्या है कि आई लेटर रिपीट हो रही है, आई लेटर रिपीट हो रहा है पूरे का पूरा. सो दिस इज द एनाफोरा. नेक्स्ट इज मेटाफोर. नेक्स्ट जो रिटेल वॉइस ने यूज किया है दैट इज द मेटाफोर. स्वेट एंड वाइन. स्वेट एंड वाइन. स्वेट किसके लिए यूज किया? बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क के लिए किया. वाइन किसके लिए यूज किया? कराई के लिए यूज किया. ठीक है, सो दिस इज द मेटाफोर. स्वेट एंड वाइन, दिस इज द मेटाफोर. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट मेटाफोर जो इसमें यूज हो रहा है दैट इज टोकन्स. टोकन्स किसके लिए यूज कर रहा है वो? तो हमारी क्वालिटीज. ठीक है, हमारी क्वालिटीज के लिए एक वर्ड यूज कर रहा है, टोकन यूज कर रहा है. ठीक है, तो ये वाले हुआ स्वेट एंड वाइन एंड टोकन्स. दीज आर दी मेटाफोर्स. फोर रिलेटेड वर्ड्स यूज किए हैं, एसोनेंस, रिपीटेशन, एनाफोरा, मेटाफोर. ठीक है, रेपिटेशन एंड एसोनेंस क्या है? आई थिंक आई कुड. आई थिंक आई कुड रेपिटेशन हो रही है. तो नेक्स्ट वन इज रेपिटेशन. तो रेपिटेशन ऑफ द लेटर, सॉरी रेपिटेशन ऑफ द साउंड दैट इज द लॉन्ग एंड लॉन्ग लॉन्ग. ठीक है, एनाफोरा आई स्टैंड आई कुड. ठीक है, पूरा आई जो प्रोनाउन रिपीट हो रहा है. मेटाफोर तो एक की जगह पे हम दूसरा वर्ड